हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर उषा। तो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है 21 जून और आज लगा है ग्रहण। तो अभी मैं छत पे आई हूँ, सुबह के बज रहे हैं 11:30। मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। और ये सब ने कपड़े धो के डाले हुए हैं थोड़े। और 9 बजे तक लंच बना दिया था और हस्बैंड जो है अपना ब्रेकफास्ट उन्होंने 9 बजे तक कर लिया था और 9:30 बजे तक वो चले गए थे। तो फिर मैंने कहा कि अभी रुक जाती हूँ, बाबू मेरा भी सो रहा है और उसको मैंने दूध वगैरह जो है सुबह पिला दिया था, अभी फिर उसको दे दिया दूध पीने के लिए, क्योंकि वो भी उठ गया था 8 बजे के करीब। और मतलब हम जब उठते हैं ना 7:30-8 जब भी उठते हैं तो फिर वो उतने में वो भी उठ जाता है। पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता है कि हम लोग उठ गए, तो ऐसे वो भी उठ जाता है। तो चलो, तो देखो ग्रहण लगा हुआ है और अभी दिख नहीं रहा वैसे तो कुछ भी, बट हाँ मौसम वैसे देखिए बहुत अच्छा। वैसे कहते हैं ना ग्रहण जब लगता है तो नहीं आना चाहिए बाहर, बट मैंने कहा कि थोड़ा सा शूट करके फिर जा रही हूँ अंदर। तो ग्रहण लगा हुआ है, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अगर वैसे पता ना हो ग्रहण लगा है, मतलब ये ना अगर पता चले कि जैसे न्यूज़ वगैरह ना देखे तो ये नहीं पता चलेगा कि ग्रहण लग रहा है या फिर मौसम चेंज है। ऐसा लग रहा है मौसम चेंज है और बारिश का मौसम है, बट नहीं, ग्रहण लगा हुआ है। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ और नहाऊँगी जब ग्रहण ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि ग्रहण ख़त्म होने के बाद नहाने के बाद थोड़ी सी पूजा जो होती है वो कर लेंगे और उसके बाद फिर अपना खाना वाना बनाएंगे। तो नीचे आ गई हूँ मैं। तो गाइस, मैंने तो आप लोगों को बताया नहीं ना, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ना मेरा जो है 1K कंप्लीट हो गया था 14 तारीख को। जैसे कि मैंने जो है अपडेट काफ़ी लेट किया था, 14 तारीख को मेरा 1K कंप्लीट हो गया था। और क्या कहते हैं, मेरा जो है लाइव और मेरी कम्युनिटी मुझे नहीं मिली थी, तो आज के दिन मुझे मेरी लाइव और कम्युनिटी दोनों मिली है। तो जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मतलब मैं बता नहीं सकती। और पता है उससे पहले मैं ट्राई कर रही थी कि मैं किसी उससे मतलब कि ऐप वगैरह से लाइव करूँ, तो मैंने एक स्ट्रीम लैब करके ऐप है उससे क्या मुझे करना नहीं आ रहा था, सही बताऊँ तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था। उसकी कुछ सेटिंग वेटिंग कुछ थी ना, तो वो मुझे करनी नहीं आ रही थी, तो जिसकी वजह से मैं। तो गाइज, ये आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने कैप्चर किया है अपनी विंडो से कि जो ग्रहण है वो काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। तो वैसे मैं छत पर गई थी तो मैंने वहाँ से दिखाया था, लेकिन अभी जो पूरा प्रॉपर लग चुका है ना तो उसकी वीडियो है, तो मैंने इसको दोबारा से कैप्चर किया है। तो इस टाइम पर देखिए ग्रहण जो है पूरा प्रॉपर तरीके से लग चुका है अभी। तो गाइज, अभी बज गए हैं 4:30 घड़ी में और नहा चुकी हूँ मैं। तो अभी करना है लंच, आज लंच नहीं किया है, पहले जा रही हूँ थोड़ी सी पूजा कर लेती हूँ और जल दे देती हूँ सूर्य भगवान को, देन उसके बाद मैं लंच करती हूँ। और ये देखो, ये देखो, ये मेरा हीरो जो है अभी सो रहा है, तो हीरो को जगाते हैं और इनको भी नहलाना है। अभी नहलाया नहीं है इनको मैंने, तो अभी इनको नहलाना है। ये देखो, ये तरीका से, और ये देख रहे हो आप, ये सारे कपड़े जो है ना इन्हें निकाल के पूरे बेड पर फैला दिए। तो गाइस, मैं कैमरा चेक कर रही थी कि वीडियो आ रही है या नहीं आ रही है, और कैमरा लगा दिया मैंने सामने। और फिर मैं भी कर रही हूँ सूर्यदेव की पूजा, और क्योंकि ग्रहण सूर्यदेव को लगा था तो इसलिए उनकी पूजा करनी बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे। इतनी तेज़ रोशनी हो रही है ना कि आप देख नहीं सकते सीधा, बहुत ज़्यादा रोशनी हो चुकी है, दिख रहा है कुछ। तो अभी पूजा हो चुकी है और सूर्यदेव को जल भी चढ़ा दिया है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ हो ना, जब भी ग्रहण लगे तो सूर्यदेव को जल चढ़ाओ या चंद्र ग्रहण लगे तो उस टाइम पे भी ना मतलब पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि एक ऐसा टाइम आता है ना जब भगवान के ऊपर भी जो है मुसीबत आ जाती है, तो इस वजह से जब भी ग्रहण होता है ख़त्म तो हम नहा के ना फिर इस तरह से हम पूजा ज़रूर करते हैं, तो इस तरह से पूजा करनी चाहिए। और तो फिर पूजा तो हो चुकी है, अब चलते हैं नीचे और लंच करते हैं। और आज तो बहुत देर होगी लंच करने में, लंच नहीं किया है, तो चलते हैं लंच करते हैं अपना। बाबू को नहलाना भी है अभी, तो उसको नहला भी देंगे, तो चलते हैं नीचे। तो गाइस, हमारे यहाँ पे भी आम का अचार जो है वो बन चुका है, तो मैंने इसकी कुछ वीडियो अभी तक एडिट नहीं किया है तो वो अपलोड नहीं कर पा रही, तो मैं इसका सारा प्रोसेस आपको दिखाऊँगी, मतलब वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर प्रॉपर कि कैसे बनाया है हमने आम का अचार कैसे बनाया है, वो सारा मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। अभी एडिट करना बाकी है ना, इस वजह से वीडियो बनी नहीं है अभी। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा है आपको मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर
आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो गाइस फिर चलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।